दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एक और महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों किसी कारणवश आज मैं लाइव नहीं आ पाया, तो मैंने सोचा कि क्यों इसको खाली जाने दें, बेहतर है कि हम एक एटलीस्ट वीडियो आपको यहाँ पर दे दें। तो उसके यहाँ पर संदर्भ में आपको ये वीडियो यहाँ पर आपको दी जा रही है, रिकॉर्डेड वीडियो है जिसमें कि आपको महत्वपूर्ण कुछ और प्रश्नों को लिया गया है और इन सारे प्रश्नों को आप अपने तरफ से सोचने की कोशिश करें और उसके बाद यहाँ पर आपको आंसर भी बताया ही जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यहाँ पर टेस्ट और आज के टेस्ट में आपको खुद से बेहतर आकलन करना है। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आपका है, वो क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है कि 5 वर्ष का राजू है, वो क्या करता है कि अपनी खिड़की के बाहर तूफान देखता है ना। तो खिड़की के बाहर तूफान देखता है और देखता है कि बिजली चमकती है और करकने की आवाज आती है, फिर वो कुछ देर शांति के पश्चात फिर से बिजली करकती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना निम्नलिखित में से सीखने का सिद्धांत किस सीखने का सिद्धांत का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि तूफान आ रही है और बादल चमकती है, गरजती है, फिर कुछ देर बाद शांत हो जाती है, फिर से जब होती है तो फिर से वो जो है चहकने लगता है, उछलने लगता है, अक्सर बच्चों में आप देखते होंगे। तो क्या है, क्या वो शास्त्रीय अनुबंधन है या क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, प्रयत्न या भूल है, प्रयत्न या भूल है, या इनमें से कोई नहीं, तो ये आप लोगों को यहाँ पर जानना चाहिए। तो बेसिकली जब बच्चा किसी चीज़ से खुश होता है और सडनली वो बंद हो जाता है, एकाएक फिर से वो खुशी बच्चे को मिलने लगती है या उस प्रकार की चीज़ें बच्चे को देखने लगते हैं, तो वो जो है शास्त्रीय अनुबंधन के अंतर्गत में आता है। तो ये कहीं ना कहीं क्लासिकल एक प्रोविजन यहाँ पर इसको कहा जाता है, जिसके अंतर्गत की बच्चा जो है फिर से एक्साइटेड होता है और ये जो सीखने का सिद्धांत है ये कहीं ना कहीं शास्त्रीय अनुबंधन कहा जाता है। तो ये दोस्तों आप लोगों का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया आप लोग जानते हैं, मोटिवेशन की बात होती है, तो अभिप्रेरणा किस चीज से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, आपको बहुत ही समझ के यहाँ पर सोचना है आंसर। क्या वो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, या यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, या यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, या यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। दोस्तों बहुत लोग यहाँ पर जो है कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि जब आप अभिप्रेरणा की बात करते हैं तो अभिप्रेरणा आपकी शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, क्योंकि आप जो चाहते हैं, आप मोटिवेट होकर वो काम जो है उस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगते हैं। आपकी जो मनोवैज्ञानिक आकांक्षा है उसको प्राप्त करने में भी आप जो है सहायता मिलती है आपको, जो आप जिस प्रकार से साइकोलॉजिकली चीज़ें चाहते हैं उस प्रकार उसमें आपको सहायता मिलती है। व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है क्योंकि आप मोटिवेटेड हैं और अच्छे काम में लगे हुए हैं। लेकिन जो आपका ए ऑप्शन है, जो आपको सबसे ज़्यादा लग रहा होगा, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आपको लक्ष्य की ओर आपकी मोटिवेशन नहीं ले जाती है। मोटिवेशन आपको काम करने में सहायता करता है और जो आप काम जैसा करते हैं उस हिसाब से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अब आपके पास मोटिवेशन है, मोटिवेशन आप किस रूप में यूज कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर ये आपको लक्ष्य की ओर ले जाता है अगर आपको बोला जाए, तो ये आपका यहाँ पर उपयुक्त नहीं है जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो कौन सा विधि है जिसका कि प्रयोग अध्यापक ना करें अगर वो विद्यार्थी की अभिवृत्ति में, विद्यार्थी के सोच में परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या उन्हें दबाव में किसी बात या विचार के लिए राजी नहीं करना चाहिए, या किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना नहीं करना चाहिए, या किसी प्रशंसनीय व्यवहार के द्वारा समर्थक एवं समर्थन या स्वीकृति नहीं देनी चाहिए किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा, या संदेश को स्थापित नहीं करना चाहिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग जान गए होंगे कि जब भी आप अध्यापक की बात करते हैं तो बच्चों की सोच के लिए आप बच्चों पर ना तो दबाव डालें और ना ही किसी बात या विचार के लिए उन्हें जो है ज़बरदस्ती आप राजी करें। ये चीज़ें बिल्कुल गलत है और ये कभी भी बच्चों के साथ नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है
और अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है यहाँ पर कि बाह्य अभिप्रेरणा में क्या समावेशित किया जाएगा, बाहरी अभिप्रेरणा जो है, बाहरी मोटिवेशन जो है उसमें क्या समावेशित किया जाएगा, क्या प्रशंसा और दोषारोपण, या प्रतिद्वंदिता, या पुरस्कार एवं दंड, या परिणाम एवं ज्ञान। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन पहला है ए, यानी कि पहला दूसरा, मतलब प्रशंसा एवं दोषारोपण और प्रतिद्वंदिता। बी कहता है एक दो तीन दोनों, सी कहता है सिर्फ दो, और डी कहता है ये सभी। मुझे उम्मीद है कि सब लोग यहाँ पर डी मारने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग गलत हैं जो भी लोग डी मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको बाह्य अभिप्रेरणा की बात की गई है और बाहरी अभिप्रेरणा आपको किस किस चीज़ों से मिलती है, तो आपको फर्स्ट और सेकंड से मिलती है, क्योंकि जब आपकी प्रशंसा की जाती है, या आपके दोस्त को जो है आप में वो बाहर से बताया जाता है, या आपकी किसी और से जलसी होती है, या किसी और से आप कंपटीशन करते हैं, तो ये दोनों चीज़ आपका यहाँ पर अगर देखिए तो ये बाहर से मिली हुई अभिप्रेरणा है। पुरस्कार और दंड तो आपको मिलता है, परिणाम का ज्ञान आपको होता है, लेकिन प्रतिद्वंदिता दूसरे से होती है और प्रशंसा दोषारोपण दूसरे लोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका फर्स्ट एंड सेकेंड इज द करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ चुका है और अगला क्वेश्चन कहता है कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। तो क्रिस्टीना एक गर्ल है जो अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो जब वो वापस आती है तो विद्यार्थियों के साथ वो जो घूमने गई है उस पर चर्चा करती है, तो वह यहाँ पर डैश की ओर संकेत करता है। तो जो मान लीजिए कि बच्चों को बाहर घुमाने के लिए ले गई और घुमाने के बाद आने के बाद बच्चों से उस घूमने पर चर्चा करती है, तो ये किस प्रकार का स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा? क्या वो सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं, या आकलन के लिए सीख रहे हैं, या आकलन का सीखना, या सीखना का आकलन? देखिए डायरेक्टली यहाँ पर दोस्तों है कि सबसे पहले यहाँ पर आपने आकलन किया है, एक विद्यार्थी होने के नाते बच्चों ने आकलन किया है और उससे सीखना है, सीखा है ना। तो बेसिकली आपका ए इज द एप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि आकलन जो है आपने सीखने के लिए ही किया था वो ऑब्जर्वेशन, इसलिए ये आपका डायरेक्ट ऑप्शन है। जब भ्रमण पे ले जाते हैं या उसके बाद उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो क्रिस्टीना चाहती है कि बच्चे अपने आकलन के द्वारा चीज़ों को सीख जाएं, तो ये आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं वो ये है कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्टि किया जाए किसको। मतलब जब आप समायोजन करते हैं किसी चीज़ को बिल्कुल बैलेंस करके, मैनेज करके आप कुछ काम करना चाहते हैं, तो वह स्वयं का यानी कि खुद का अलग अलग परिस्थितियों में अनुकूलन करना है, कि आप बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों में तैयार रहिए, अपने आप को समायोजित करके रहिए। तो इससे किस चीज़ को संतुष्टि मिलती है, क्या दूसरे को मिलती है, या प्रेरकों को मिलती है, उद्देश्य को मिलती है, या आवश्यकता को मिलती है? तो ऑब्वियसली दोस्तों जब आप किसी चीज़ का मैनेजमेंट कर रहे हैं और अलग अलग परिस्थिति में अनुकूल रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी जो आवश्यकताएँ हैं, जो नीड है, वो आपकी यहाँ पर जो है इसको संतुष्ट किया जा सकता है, इसको पूरा किया जा सकता है, क्योंकि आपको समायोजन करने के लिए आता है। तो इसका यहाँ पर आपका आवश्यकताओं को इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगर हम यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं व्यक्तिगत स्थायी समायोजन की, तो व्यक्तिगत स्थायी समायोजन में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि ये किसके साथ होता है, पर्यावरण के साथ है, या जीवन के साथ है, या प्रकृति के साथ है, या सभी के साथ है। तो बेसिकली व्यक्तित्व स्थायी समायोजन की जब हम बात करते हैं, तो ये यहाँ पर आपका जो भी लोग उपरोक्त सभी सोच रहे होंगे आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ और प्रकृति के साथ, ये तीनों के साथ हर एक व्यक्ति को समायोजन करना चाहिए और इस पर जो है आगे स्टेप उठाना चाहिए। तो यही हमारा व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है यहाँ पर। तो दोस्तों ये यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये आपका यहाँ पर आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। और आप इन सारे क्वेश्चंस को, अगर आपको जो भी नहीं पता था उसे नोट कर लें, कई चीज़ें नई नई बीच बीच में बताई जाएगी, उसे भी आप नोट करते चलें और बेहतर आप जो है यहाँ पर आगे मार्क्स लाने की कोशिश करें। तो ये था दोस्तों हमारा एक और महत्वपूर्ण लेसन। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, जय हिंद।